यूं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लाखों दावे कर रही है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि जो मिटने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास करने के उद्देश्य से नई नई योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को ग्राम पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से गांव-गांव का विकास कराने की बात कह रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की खाओ कमाओ नीति के चलते चाहतों को आवास दिए जा रहे हैं तो नाली खंडजा बनवाए प्रधान द्वारा विकास के नाम पर धान उगाई करते हुए घोटाले किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन घोटालों में उच्च अधिकारियों का हाथ ना हो, सभी की बराबर की हिस्सेदारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा विकास के लिए भेजी जा रही धनराशि का दुरुपयोग करते हुए बंदर बांट कर लिया जाता है, जिसके चलते करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी विकास की किरण गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के विकास खंड करहल क्षेत्र के ग्राम तखरऊ में देखने को मिला, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सोनेलाल कठेरिया ने अधिकारियों से सांठगांठ करते हुए पूर्व प्रधानों द्वारा कराए गए कार्यों को वर्तमान योजना के माध्यम से कागजों में विकास कार्य दिखाकर 32 कार्य योजनाओं के फर्जी विकास दर्शाकर 26 लाख के लगभग का घोटाला कर गोलमाल कर लिया है। इस संबंध में ग्रामीण अरविंद सिंह ने कई बार विकास कार्यों में किए गए घोटालों की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी से की और जांच की मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्य की अभी तक जांच नहीं हुई है। आरोप है कि उन्हें सुविधा शुल्क देकर जांच की इतिश्री करवा दी गई है। इस संबंध में ग्रामीण अरविंद ने नव आगंतुक जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को एक शिकायती ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि ग्राम प्रधान ने 4 वर्षों में सरकार की तरफ से आए विकास के लिए धन की राशि का दुरुपयोग करते हुए गोलमाल कर लिया है, जिसकी जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाए और प्रधान द्वारा दी गई घोटालों की रिकवरी कराकर गांव में विकास कार्य कराए जाए। जिसकी भनक समाचार एक्सप्रेस को लगी तो मीडिया की टीम ने गांव में जाकर ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों का जायजा लिया, जहां देखा गया तो ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्य कागजों में तो दर्शा दिए गए हैं, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर शून्य है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप है कि प्रधान प्रति सोनेलाल सीसी मार्ग को कागजों बनवा कर दिखाकर 6,44,000 रुपयों का भी घोटाला कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधान ने 32 कार्यों को फर्जी दिखाकर लगभग 26 लाख रुपयों का घोटाला कर लिया है। वहीं आरोप है कि आवास के नाम पर 20,000 रुपए लेकर 18 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और जो पात्र व्यक्ति हैं वह आज भी इस योजना से अछूते नजर आ रहे हैं। आइए हम रूबरू करवाते हैं इन ग्रामीणों से क्या कहते हैं प्रधान के बारे में, तो खुद ही सुन लीजिए किस तरह से विकास के नाम पर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? किस गांव की रहने वाली हो? तखरऊ। आप जो ना टूटे फूटे आवास में रह रही हो, आवास नहीं मिला आपको? नहीं। क्यों नहीं मिलो? प्रधान ने पैसा मांगे, मतलब प्रधान के चिमिचन ने क्या पैसा दे 20,000 प्रधान ने अच्छा सूरजमुखी ये बताइए आप झोपड़ी में कब से रह रही हैं? हमें 10-11 साल हो, 12 साल है मैं यहाँ मकान बना से गिरी हो, हमारे सेव के बाद सब सामान मेरे जुदा रहो तब आई की अपनी झोपड़ी में। अच्छा, आपके परिवार जनावर भी है? आप अकेली रहती हो? हम अकेले रहतेंगे हैं तो बच्चा अपने पद्धे से अपने चुनते बेनतेंगे, गरीब आदमी घर में रहिया वो चलो खेत पर बुना का छुई ना आई है। तो ये बताइए आप जो ना इस मलैया में रह रही हो, गुजर बसर कैसे होती है आपकी? अब क्या करें, कुत्ता ले जाते डराई लेता, कहूँ झूठो खा ले तो कहूँ अपन नीको खाए ले तो क्या करें, जीवन तो काटे। कौन है आपके गांव का प्रधान? सोने लाल अब तो हैंगे। अच्छा, इन्होंने आवाज नहीं दिया आपको? नहीं दो। क्या कह देते? जो कह देते आ जाते कल ले आते, आ जाते कल ले आते, क्या करें। आपने वोट दिए थे उन्हें? हाँ। तो आपको कॉलोनी क्यों नहीं दे रहे? अब भगवान जाने के बे जाने ईश्वर का जाने कोई का पेट की जानता है क्या करे। इस संबंध में जब वाइट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायतें मिली है, जांच की जाएगी, जांच के आधार पर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। के द्वारा लगभग 26 लाख रुपए का घोटाला किया गया, पूरा मामला क्या है? मामला अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, मेरे पास तो कोई शिकायत मेरे ध्यान में तो याद नहीं मुझे, अगर शिकायत आई होगी तो कार्रवाई अवश्य होगी, अगर नहीं आई होगी तो आपके माध्यम से वो शिकायतकर्ता भी मिलने जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।